दस महीनों में पांचवीं बार बिहार आ रहे हैं, और बिहार जितना वो किसी भी स्टेट में नहीं गए हैं और ना किसी स्टेट पर इतना उनका फोकस है। नरेंद्र मोदी अपने हाथ में ले लेते हैं, उनके हिसाब से नीतियां बनती है, रणनीतियां बनती है, और गेम में ट्विस्ट होता है, टूट हुई है। एक तरफ जहां उनकी पार्टी जदयू से लगातार नेताओं का पलायन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि गठबंधन के भी साथी या तो बाहर हो रहे हैं या उनसे नाराजगी करें कि अमित शाह के बिहार आने के पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। दो खेमे तैयार हैं। एक, नमस्कार, भारत लाइव है, लगातार हम आपको बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं की जानकारी दे रहे हैं। आज एक बार फिर से बिहार की राजनीति में चर्चा जबरदस्त है। चर्चा इसलिए है कि अमित शाह इन 10 महीनों में पांचवीं बार बिहार आ रहे हैं, और बिहार जितना वो किसी भी स्टेट में नहीं गए हैं और ना किसी स्टेट पर इतना उनका फोकस है। इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, सब बात को बताने से पहले क्या परिस्थितियां बनी हैं, क्या नया परिवर्तन हुआ है, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि हमने आपको बहुत पहले बताया था कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या किसी राज्य में चुनाव होने होते हैं, तो उससे ठीक पहले, एक साल पहले लोकसभा और 6 महीने पहले विधानसभा का पूरा चार्ज नरेंद्र मोदी अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हिसाब से नीतियां बनती है, रणनीतियां बनती है, और गेम में ट्विस्ट होता है। इस बार भी कहीं ना कहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, और अमित शाह के पटना आने से पहले 2-3 घटनाएं हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, उस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि यही घटनाएं आगे जाकर के परिणाम में परिवर्तित होती हैं। आपको बता रहे हैं कि 10 माह में जब से नीतीश कुमार NDA से महागठबंधन की तरफ गए हैं, कई ठंडे और गर्म, अच्छे और बुरे परिणाम सामने आए हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार जब से गए हैं, तब से गठबंधन के रूप में, नेता के रूप में वो भले ही अपने आप को सफल मान रहे हों, लेकिन पार्टी के रूप में और संगठन के रूप में लगातार टूट हुई है। एक तरफ जहां उनकी पार्टी जदयू से लगातार नेताओं का पलायन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि गठबंधन के भी साथी या तो बाहर हो रहे हैं या उनसे नाराज हैं। हाल फिलहाल में ही जीतन राम मांझी पार्टी से बाहर, गठबंधन से बाहर हो गए, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी और उन्हीं के अलायंस पार्टनर भी थे। उन्होंने साफ कहा है कि वो महागठबंधन नहीं बल्कि नीतीश कुमार के पार्टनर थे। नीतीश कुमार के हर दुख सुख में नीतीश कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें जो मंत्री पद मिला हुआ था वो उन्हीं के कोटे का था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है जो जदयू छोड़ चुके हैं। अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए एक बात साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार इन सारी चीज़ों को आखिर क्यों लगातार धोते चल रहे हैं, इससे उनको क्या घाटा और नफा हो रहा है। इस बात का आकलन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात का आकलन करें कि अमित शाह के बिहार आने के पीछे की रणनीति और राजनीति क्या है। दो खेमे तैयार हैं। एक तरफ एक खेमा है जो ये कह रहा है कि एक बार फिर से अमित शाह आएंगे बिहार। मुंगेर में ललन सिंह का उल्टी गिनती शुरू हो गया है, तो वहीं वो वहां आकर के वोटों के पोलराइजेशन के लिए एक बार फिर से उन्माद फैलाएंगे, एक बार फिर से वो बातें करेंगे जिससे कि समाज में वैमनस्य पैदा हो, दूरियां बढ़े और हिंदू वोटों को पोलराइज कर सके। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का मूड भांप करके नरेंद्र मोदी ने खुद अमित शाह को पटना भेजा है। यहाँ आएंगे, उनके कार्यक्रम की लिस्ट आपको मिल चुकी होगी कि 1 बजे जब पटना आएंगे उसके बाद से कहाँ पूजा करेंगे, क्या करेंगे, कितने बजे लखीसराय में वो उनकी रैली होगी, उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिल करके क्या कहेंगे, ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी। लेकिन इसमें एक बात जो आपको नहीं पता है वो ये है कि अमित शाह यहाँ आकर के इस बार इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे जिससे नीतीश कुमार नाराज हों। नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सॉफ्ट हो गई है। हालांकि आपको ये भी लग रहा होगा कि नीतीश कुमार की तरफ सॉफ्ट कैसे हो सकती है, जब नीतीश कुमार तो 23 तारीख के बाद अचानक से इस बिहार में और देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। 23 तारीख को कितना पानी में है नीतीश कुमार, ये बात नीतीश कुमार को भी पता चल गया है और यही बात भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल गया है। नीतीश कुमार की जीत को अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती है।
नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में और जिस तरह से जुटान करने में सफल हो गए, अगर वो सारी चीज़ों को छोड़ करके अगर इसी रास्ते पर निकलते रहे, बहुत लोग गठबंधन में शामिल नहीं हुए, दो तीन जो मुख्य दल हैं उनके साथ गठबंधन भी कर लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपने कहीं ना कहीं रणनीति में बदलाव करने की बात हो रही है। हमने आपको खबरों में पहले भी बताया था कि किस तरह से जो साथी लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ भी गठबंधन की अभी घोषणा नहीं हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिएगा कि एक तरफ दो दिन पहले जाने वाले जीतन राम मांझी से गठबंधन का ऐलान हो जाए, और पिछले लंबे समय से जो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़ा हो उसके साथ कोई गठबंधन का अनाउंसमेंट नहीं हो, ये बातें क्या इशारा कर रही हैं? इस बात का इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एंगल चेंज किया है, और इस चेंज एंगल में बिहार की राजनीति, एक बार फिर से देश की राजनीति में 39 और 40 की चर्चा होना, अभिषेक झा ने इस बात की चर्चा की है अमित शाह के आने से पहले, उन्होंने एक बड़ा डिमांड लिस्ट रख दिया है, तो वहीं ललन सिंह ने भी एक दर्जन क्वेश्चन पूछ लिए हैं, एक दर्जन बातें अमित शाह के सामने रख दिया है। ललन सिंह की बातों पर कितना जवाब देंगे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन अभिषेक झा ने जो बातें रखी हैं वो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये इसलिए हैं कि ये नीतीश कुमार के शब्द हैं, 40 में से 39 सीटें जीत करके आना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि बिहार की जनता ने एनडीए को यानी नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया था, और लोगों को ये उम्मीद थी कि बहुत कुछ बदलेगा, बिहार एक बार फिर से विकास के रास्ते पर चलेगा, दौड़ पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभिषेक झा के इन बातों में ललन सिंह की भी बातें शामिल हैं, वहीं इन बातों में वो डिमांड भी शामिल नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, जिसमें बार बार बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग की जाती है। अब इन सारी बातों को लेकर के अमित शाह के आगमन से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार का मूड जो है उसे भांप करके, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार फिर से आपने देखा होगा कि सहज नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल मतलब फैसला कर चुके हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। 10 से 12 तारीख तक शिमला में बैठक है, उस बैठक में बहुत कुछ निकल के सामने आ जाएगा। उससे पहले आपको बताएं कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के पाले में गेंद फेंक दिया है, और पैचअप की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर 24 के चुनाव से पहले अगर पैचअप नहीं करते हैं तो 24 के चुनाव के बाद तो उन्हें पैचअप करना ही है। संभावनाएं तो यहाँ तक व्यक्ति जा रही है कि नवंबर में इस देश की राजनीति में एक बड़ा, कहा जा रहा है कि भूचाल आने वाला है, वो भूचाल बिहार से शुरू होगा, और बिहार इस देश में एक नया आयाम प्रस्तुत कर सकता है जिसके गवाह नीतीश कुमार होंगे और उसके केंद्र बिंदु भी नीतीश कुमार ही होंगे। अमित शाह के इस कार्यक्रम को लेकर के जहाँ एक तरफ जदयू ने सीधे कहा है कि वो गृह मंत्री हैं, जहाँ चाहें वहाँ आ सकते हैं, इस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहीं इस बात को लेकर के भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार का मूड भांप करके और खुद अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने बिहार भेजा है, और यहाँ आकर के जो पिछली बातें हुई थी जिसको लेकर के तल्खियाँ हुई थी, जेपी नड्डा का कार्यक्रम रद्द हो जाना, अमित शाह का आना, और अगर उनके बयान में उनके भाषण में वो सारी बातें अगर काट छांट करके रखी जाती हैं जिससे नीतीश कुमार को नाराज़गी है, तो आप समझ लीजिएगा कि कहानी में ट्विस्ट शुरू हो चुका है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, हमारी नज़र हर छोटी बड़ी घटना पर है, हमारी नज़र आज लखीसराय में होने वाली अमित शाह की बैठक पर भी है। इसके साथ साथ हम एक आग्रह आज आपसे करना चाह रहे हैं, और ये आग्रह हमारा लगातार जारी रहेगा कि हमारी पत्रकारिता आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छी लगती है तो ये आप पर दबाव नहीं है, आप हमारा सहयोग जैसे भी करना चाहते हैं, जिस तरह से भी करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता को जीवंत रखना, जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
9386816700। धन्यवाद।